शॉर्ट है भाई, शॉर्ट है। गाड़ी गाड़ी गई, गाड़ी गई। हाय 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 हाय, डंडे उड़ा दिए। अभी मांग लेते हैं पहले पहले। रोना स्टार्ट 12 ओवर बाद किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने बल्ला चेंज करना अभी स्टार्ट किया? आपने बल्ला चेंज करना, बल्ला चेंज हो रहा है यार, कब कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वीडर्स, क्या हाल चाल, मैं कहता हूँ ठीक ठाक हो गए। सो बैक टू द व्लॉग ऑफ क्रिकवेस्टेड। तो भाइयों, जैसा कि तुमने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोग 300 रन चेस कर रहे थे और मैं खेल रहा था होमलैंड 11 की टीम से, तो वो मैच खेलने के बाद मैंने एक चीज़ तो डिसाइड कर ली थी कि यार ये होमलैंड 11 की टीम बिल्कुल हमारे लिए, खानदान सीसी के लिए बेहतरीन टीम साबित हो सकती है। ये हमारे मतलब की टीम है और इससे अगर हम मैच खेलेंगे बहुत कांटे का मैच होने का इम्कान है। तो ठीक इसी सोच के साथ मैंने अपने दोस्त हसन भाई और मुनीब भाई को रब्ता किया। मैंने बोला हसन भाई मैच तो बनता है? हसन मैंने बोला ओके उमर भाई बनता है मैच। बट मैच से जस्ट 3 दिन पहले मैं हसन भाई से मिला और हसन भाई के साथ मैंने स्विमिंग की और स्विमिंग के दौरान हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स किए कि यार हसन भाई मैं आपको छक्का मारूंगा, हसन भाई ने बोला मैं आपको बोल्ड मारूंगा। ये बातें इतनी बढ़ गई इतनी बढ़ गई इतनी बढ़ गई कि हमने बोला भाईजान नो फ्रेंडली मैच, अब इस मैच में हम लगाएंगे टसल। और ऐसी वैसी टसल नहीं लगाएंगे भाई, ऐसी टसल लगाएंगे है कि मतलब कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। एक हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, यहाँ सामने आपके आ रहा होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है, हम दोनों के सिग्नेचर्स भी हैं कि भाई हम एक दूसरे को गालियों के अलावा जो बोलेंगे हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जितनी स्लैजिंग हो सकेगी इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी, बहुत मज़ा आने वाला है। हसन भाई मेरे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं, लेकिन जितना जिगरी होता है आपको पता है, जब आपका दोस्त जिगरी होता है तो आप उसके साथ क्या करते हो, तो सेम हसन भाई भी मेरे साथ करेंगे। तो देखते हैं भाई कि कौन ज़्यादा हावी हो जाता है, किसकी बैटिंग अच्छी रहती है, क्या मैं हसन भाई को खेल पाता हूँ, क्या हसन भाई हमारे खिलाफ़ खेल पाते हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाला है और मैं आपको लिख के दे दूँ, ये वाला व्लॉग और अगला व्लॉग दोनों बहुत शानदार होने वाले हैं और आप लोगों को मज़ा आने वाला है। इसीलिए मैं अभी से तैयार हो चुका हूँ, ग्राउंड पर हमारी टीम भी वेट कर रही है और ग्राउंड हमारा फेवरेट UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मैच को एक ही सूरत में हम लोग जीत सकते हैं, वो ये है कि मैं भाई उदयर और दानियाल भाई, वैसे हम तीन जो कि हम इस टीम के पुराने मेंबर हैं, दानियाल भाई पर इतना प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन हम चारों को बैटिंग से ही ये मैच जिताना पड़ेगा चेस करके। अब चाहे 200 का टारगेट हो, 150 का हो, 170 का हो, ऐसा ही हम पे ही है ये पूरा मैच, तो इंशाल्लाह हमने लेके। बॉयज रेडी है भाई, फुल वार्म अप करना है आज हमें। शाबाश वार्म अप स्टार्ट करें। आतिफ भाई आप भी हाथ घुमा लें ज़रा आज। उसामा भाई देखें, आतिफ भाई आज एक बॉल भी मारने वाले हैं और एक दो विकेट भी लेने वाले हैं। सही है, अब मैंने कह दिया था वो तो हो जाएगा है ना, शायद इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाएगा। A few moments later. तो रियलिस्टिक बात करूँगा वो ये है कि 150 के अंदर अंदर हम इनको रोकना है, तो हम गेम में हैं। इससे ऊपर जाएगा 170-180 तो मुश्किल हो जाएगा मैच, तो इसको दिमाग में रखिए। प्लस बॉलिंग प्लस फील्डिंग में जान मारो, रन बचाओ, ऑटोमेटिकली गेम में आ जाओ। कैचेस विन मैचेस, वी ऑल नो। ठीक है, शाबाश शाबाश। भाई हमजा अपने पहले ओवर में विकेट ना लें ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी वो अच्छी बॉल करके लेंगे, कभी उनको कुदरत का निज़ाम विकेट दिलाएगा, ऐसा ही है ना। यही हमजा भाई क्या बात है यार, दिमाग से बॉल करना। अब मुझे ज़रा ये बता दीजिए इसमें आपने क्या ऐसी मंतक लगाई थी, एक्सप्लेन कर। वो हाथ में पसीना ज़्यादा आ गया, दो बॉल छूट गई थी मेरे हाथ से, कुदरत का निज़ाम। ओके भाई, तो मुबशिर भाई आ गए बॉलिंग पे, हसन भाई फेस कर रहे हैं। कम ऑन मुबशिर भाई, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है मुबशिर भाई। मुबशिर भाई हल्का हाथ रखना, अपना ही बच्चे हैं। अरे रह गया, क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो वाइट पे भी क्या बातें बोलना पड़ रहा है, मामला ऐसे हैं मैच के। मजे, ज़रा सा हवा की हवा, हवा की आवाज़ आ रही है, हवा की आवाज़ आ रही है, आवाज इसके। क्या
बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। कभी ऑफ ब्रेक, कभी आर्मर, कभी दूसरा। समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, अकेली नहीं जा रही। शबाब ओए आवाज़ दे। नहीं मोशिर भाई नहीं हो पाएगा। नहीं दिख रही उधर भाई, स्पिनर की नहीं दिख रही। नहीं है भाई, नहीं है उधर भाई। शॉट है भाई, शॉट है। फाइनली जो है लप्पा लग गया, लप्पा लग गया बशीर भाई, लप्पा लग गया। भाइयों सब सिचुएशन आपके सामने है, पांच डॉट भी आपके सामने है, छक्का भी आपके सामने है। बताओ लप्पा था या नहीं? लप्पा और पक्का, लप्पा और पक्का। वो तो व्यूअर्स बताएंगे, वो बता देंगे। अच्छा रुका है, सही है सही है, रुक जाओ। छोटा बैट्समैन है ना, अभी देखो तो सही यार, सारी चालबाजियां कर लो छोटा बैट्समैन। सही है, नहीं समझ ही नहीं आएगा ऐसे, कभी भी नहीं आएगा। 7 बॉलों पे 6 रन, 95 के स्ट्राइक रेट से अपने आप को बड़ा बैट्समैन समझ रहे हैं। अबे यार मुबशिर भाई ये तो कोई भी खेल सकता है यार, क्या कर रहे हैं यार। उछल उछल के बस कहीं से बच जाऊं मैं। अटैकिंग फास्ट बॉलर ओपनिंग में खड़ा है, 7 ओवर हो गए और केसीसी अब तक आउट नहीं कर पाया। हम क्यों आउट करें भाई, 7 ओवर में सिर्फ 50 भी नहीं हुए, 50 भी नहीं हुए इनके। हमारा तो बेहतर ही है कि आप 20 ओवर खेलो। आए यार खुदा की कसम, अबे भाई स्पिनर को हैंडल पे खेलने हैं मुबशिर भाई। 12 बॉलों पे मुबशिर भाई, सेट तो देखें, जो गुरु समझ रहे हैं अपने आपको, 12 बॉलों पे 10 रन है और समझ रहे हैं कुछ T20 में कारनामा किया। अहमद आ जाओ भाई, मुझे अभी तुम लग नहीं रहे इस हालत में कि विकेट लोगे, बाद में बात करेंगे। शाबा अहमद भाई, शाबा अहमद भाई, कम ऑन तगड़ी करेंगे। गाड़ी गाड़ी गई, गाड़ी गई, गाड़ी पे गई। आवाज़ आई है गाड़ी के शीशे टूटने की, शीशे पे लग गया मेरा, क्या डूब करके ना। शाबा 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 जामा, शाबा अहमद, शाबा शाबा, गुड बॉल। नहीं समझ आई, शाबाश शाबा आतिफ भाई, सीनियर बंदे हैं, शाबा विकेट आ जाएगी। शाबा आतिफ भाई, शाबा आतिफ भाई, वही बात है पुरानी वाली, शाबा बोए। आई हाई रह गई आतिफ भाई की विकेट। क्या बात है, क्या बात है आतिफ भाई, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है भाई। उसामा भाई अगर आप देख रहे हैं तो आतिफ भाई में देखें, अभी भी स्पार्क बाकी है। अनकरीब ओमान नेशनल टीम खेलने वाले प्लेयर आतिफ जलाली, हमारे ख़ानदान के बहुत नुमाया नाम है और इनको देख के हमने सीखा है, आज भी सीख रहे हैं। आई इतना मारूंगा ना पकड़ के तुम्हें मैं, पूरी की पूरी विकेट रह गई आतिफ भाई की तुम्हारी वजह से यार। हेलो के तो कुछ होगा ना बेटा। शाबा मुबशिर भाई, 9/71 है, रोका हुआ है हमने। शाबा अनस भाई, कुछ भी नहीं करना बस, यहाँ पे ना 7-8 रन 6 रन आते ही हैं। सही है, 4 है, 4 छक्का है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अनस भाई कोई मसला नहीं है, बेसिकली है ना लेग का लप्पा है थोड़ा, इधर से उमर ना ऑफ का लप्पा है ना लेग का लप्पा है, कतरी का लप्पा है। अभी मेरे बोलने का वक्त है, आप लोग भी बोल लेना फील्ड पे भाई। अबे कम से कम खुदा की कसम छक्का मार रहे हैं तो सरा सही छक्का मार दें, लुल्लू छक्का, लुल्लू छक्का कसम से। 11 प्लेयर वहां खड़े कर लो केसीसी के। आवाज दे, यार मुबशिर भाई क्या करूं यार। ओके भाइयों, तो अपडेट ये है कि इनके रन हो चुके हैं अच्छे, 10 ओवर के इख्तिताम पे 90 रन है, पिछले ओवर में 19 रन आ गए यार, बहुत ज़्यादा आ गए, नहीं आने चाहिए थे। लेकिन अब यहाँ से भी अगर हम रोकते हैं 60 बॉलों पे 80 रन देंगे तो 160-150 का टारगेट, मैक्सिमम 170 तक इनको खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैं हसन भाई कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो, बल्ला भी चेंज कर रहे हो, अंपायर हर बॉल पे चेंज कर रहे हैं, बल्ला हर बॉल पे बल्ला चेंज कर रहे हैं, टाइम लग रहा है।
खुशी देख रहे हो, अंदर से इनके निकल लिए खुशी का दम। क्या हुआ? बिल्कुल अंदर से इमोशंस निकल के आ रहे हैं, नज़र आ रहा है। अबे यार बस कर दो वो बस। हाँ ये लैग के लप्पे हैं, क्या करें। नहीं नहीं जैन भाई नहीं है, वो वाला है लैग का लप्पा, वो है वो वाला, ये नहीं है। सही है, सही यार, सॉरी यार। देख रहे हो पता नहीं क्या। और ये तुमने रोटू बना कर दिया अगर हसन भाई, वैसे बात सुन लो अब मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये कुछ तरीका नहीं है, आप हर बॉल पे चेंज कर रहे हो। हाँ तो नहीं है, रूल की बात नहीं है, टाइम ज़ाया कर रहे हो। हो रहा है टाइम ज़ाया। बल्ला चेंज करके कौन सा शॉट लग रहा है आपसे? सामान तो पूरा रख लो भाई आप। मांग लेते बल्ला भी, मांग लेते पहले। एक मिनट, आपने बल्ला चेंज करना अभी स्टार्ट किया? आपने बल्ला चेंज करना, बल्ला चेंज हो रहा है यार। कब कर रहे हैं भाई? जब से मैं इसके साथ स्ट्राइक को बैट चेंज कर, क्या हो गया आपको भाई? जाओ 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 आवाज़ दे। आपसे बात की है, आप अपने काम से काम रखो। सही है, अगर बात उस वक्त नहीं नोटिस किया तो अभी कर लिया भाई, ये कोई तरीका थोड़ी है। शाबा, अच्छे 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 शाबा, गुड शॉट यार शाबा। हल्के हल्के और दूर दूर करें बस, मतलब ऑफ स्टंप पे स्लाइड से दूर, कुछ तेज नहीं करें। क्या बात है यार, क्या बात है, मत क्या बात। मैं यही चाहता था बॉल सही से ना, पांच तो कैच खिलाया गिराया मेरे। शाबाश 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 मोहसिन भाई, शाबाश। हाय क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश। हाय 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 हाय, डंडे उड़ा दिए, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट बॉल शाबा। ओए होए 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 भाई, क्या मज़ा आया यार, हसन भाई के साथ स्लेजिंग करने का बड़ा मज़ा आया, और हसन भाई ने भी आगे से जवाब तगड़े दिए हैं भाई। क्या छक्के मारे हैं यार हसन भाई ने, दो तीन तो रिकॉर्ड भी नहीं हुए, लेकिन यार नो डाउट हसन भाई ने जो है करेज शो की, ओपनर आए छक्के मारे, और ये दिखाया कि भाई प्रेशर मैचेस में और ऐसी क्रंची सिचुएशंस में किस तरह लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है कैप्टन। सो हैट्स ऑफ टू हसन भाई, और बहुत ज़्यादा रन कर लिए हैं, 181 का हमें टारगेट मिल रहा है। अब आई डोंट नो हमारी टीम कैसे चेस करेगी, एक ही तरीका है इसको चेस करने का, मैं मुबशर भाई उदैर तीनों अगर रन कर दें तो हम ये चेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो 181 को चेस करने के लिए केसीसी की टीम तैयार हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि ये चेस अच्छा रहेगा। एक बात तय है भाई, मैं आपको पहले से बता दूँ, ये बहुत थ्रिलर होने वाला है, आखिरी बॉल तक जाने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हसन भाई अगर आ जाए ना रोड से बॉल, अगर रोड से बॉल मिल जाए तो मुझे भेज देना, सही है हसन भाई, लव यू।